सिंह वैलिड रीजन लद्दाख के 150 लोग जो पिछले चार साल से प्रदर्शन कर रहे हैं जिनको ना ईमेल का जवाब दिया गया बाकायदा जो उनका क्लेम है कि भाई सरकार बनने से पहले तो बातचीत भी कर रहे थे सरकार बनने के बाद बातचीत भी खत्म हो गई जिनके पास कोई विकल्प नहीं था जो दिल्ली चले आए यहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है और एक कन्विक्टेड अपनी ही साधवियों के साथ बलात्कार का पत्रकार की हत्या का वो साल में क्या, दिन वन डेज बाहर रहता है उसके उससे कोई हमारे डेमोक्रेसी का स्पेशली हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियाज हैं वो सर्टेनली अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के विम्स एंड फ्रांसिस के हिसाब से काम करती हैं अब आप देखिए हम बड़ा विद्वानों को और मैं बड़ा से सुन रहा था ये डिटेंशन को लेकर के बहुत चिंतित थे इनकी चिंता हम भी शेयर कर सकते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल क्लियर है जो खबरें बाहर आ रही है लद्दाखी स्टूडेंट्स को हाउस अरेस्ट कर लेना बैरिकेडिंग करके उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना जो वांगचू साहब हैं उनको अपने लॉयर्स को एक्सेस नहीं देना और इस टाइप की जितनी भी चीजें हो रही है इट सीम्स एज इफ की लद्दाखी पीपल इन डेली आर अंडर सीज उनके फंडामेंटल राइट्स को है अनसेट तरीके से कर्टेल कर दिया गया है डिटेंशन या अरेस्ट ये गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी है एंड एजेंसीज का प्रायोरिटी है बट इट शुड मस्ट बी अ रैशनल ऑर्डर जब और, वो दाखिल हो गए सिंगू बॉर्डर में तकरीबन हरियाणा के और दिल्ली के बॉर्डर के आसपास थे जी, तब धारा एक सौ तिरसठ इंपोज की गई उसके पहले चुनाव भी थे नहीं की गई उसके पहले त्योहारों का भी पता था नहीं की गई उसके पहले सेकेंड अक्टूबर का भी पता था नहीं हुआ तो आप देख लीजिए मैनर में 163 को इन्होंने इंपोज इन करा है, है। इससे इनके इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं 163 के लिए ये लद्दाख से 150 लोग जो चले थे उस समय से ये थ्रेट नहीं थे नहीं। जैसे ही ये सिंधु बॉर्डर पे आते हैं अचानक से ये थ्रेट हो जाते हैं फिर उनको इस तरीके से आप डिटेन कर लेते हैं एज इफ की बहुत मुश्किल है किसी भी लॉ एजेंसी के लिए ये समझना या एक रैशनल सिटीजन के लिए इस बात को समझना कि एक्चुअली ये डिटेन है कि अरेस्टेड है क्योंकि इनके जो मौलिक अधिकार हैं आप तो उनको एक्सेस दे नहीं रहे हैं वो तो कल लग, लग रहा है एज कि आजिफ की कि आपने इनको अरेस्ट कर लिया है अगर अरेस्ट भी कर लिया तो खुल के बोलिए ना साहब उसके बाद जो जुडिशियल प्रोसेस हैं वो एक्शन में आएंगे अरेस्ट दिखाएंगे तो वैलिड ग्राउंड देना पड़ेगा रीजन वाई आई एम टेलिंग यू कैन नॉट प्रॉक्सी अरेस्ट नहीं कर सकते डिटेंशन के नाम पे आप आज के डेट में डिटेंशन के नाम और डिटेंशन पे तो होता भी कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं ये तो टेम्प्री मेजर है ये टेम्प्ररी मेजर है चौबीस घंटे अड़तालीस घंटे तक आप डिटेन किसी को नहीं कर रहे हैं अगर ये कर रहे हैं तो कॉर्पस का केस बन रहा है मुझे तो बड़ा ताजुब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए अगर आप लॉयर को एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट इस है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो लीगल राइट्स हैं वो एजिटेट नहीं हो रहे हैं ये एक बड़ा क्लियर मामला भी है क्या आर के सिंह कि भाई अगर मैं कहती हूँ सिक्योरिटी थ्रेट जेन्युइन है तो जो बाबा राम रहीम खुले में घूम रहा है इक्यानवे दिन वो नाइन्टी डेज बाहर रहता है परोल पर फरलो पर बाबा रामदेव इस मुल्क बाबा के राम रहीम राम राम रहीम रहीम जो ये, जो भी इसका नाम है राम जी ये तथाकथित जो जो साधु और भी चमत्कारी है मैं आपको बता दूं मैं अपने लीगल हिस्ट्री में हमारे सामने ऑनरेबल जज साहब भी बैठे हुए हैं इनको भी पता होगा इन्होंने बहुत सारे केसेस को इन्होंने डील करा होगा लेकिन इस टाइप का केस जुडिशियल हिस्ट्री में अभी तक किसी को देखने को स्टली है ये अमेजिंग केस है फरलो और और पेरोल का एक ऐसा घालमेल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है कि कभी कभी मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें जो है ना एक्सिक्यूटिव डोमेन से हाथ छीन लेनी चाहिए हुँ, हुँ. अब इसको एक्सक्लूसिवली जुडिशरी को अपने डोमेन में रख लेना चाहिए हुँ. क्योंकि एक्सिक्यूटिव पावर्स जो है ना ये इन दोनों प्रोविजंस का ऐसा बेवजह इस्तेमाल कर रही हैं कि आप देख लीजिए सीक्वेंस को देखिए जब भी चुनाव इन चार राज्यों में होता है इसको बाहर कर दिया जाता है आप हम लोगों को यह बात समझनी होगी और जिसने परोल और फरलो दिलवाई उसको बीजेपी का टिकट भी मिल जाता है और अमेजिंग है और अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि जब भी इलेक्शन को करता है ये परोल से बाहर आता है तो पॉलिटिकल सिस्टम हमारी क्या इतनी वीक है कि कन्विक्टेड के चरणों के जाके आगे जाके नतमस्तक कर रही है और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि ग्लोबल लीडर हैं तो हम ये हैं फल्ला हैं धिमाका हैं तो रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद नहीं हो सकता है। आ, तो हम बड़े सिलेक्टिव सिक्योरिटी मीजर्स में भी हो जाते हैं वो तलवार लेकर केक काटता है गुरमीत राम रही वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता और मैं राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूं